राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम विवादों में घिर गए हैं। अरशद का आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी के साथ मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो गया है। अरशद ने यह मुलाकात ओलंपिक में जीत के बाद की है। लश्कर ए तैयबा संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल एक संगठन है। इसका आतंकी संगठन का सरगना हाफिज सईद है, जिसने मिली मुस्लिम लीग नाम के एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। अरशद ने इसी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हारिस डार से मुलाकात की है। वीडियो में आतंकी डार ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की जमकर तारीफ की है। डार ने कहा कि नदीम की जीत पर पूरे मुस्लिम समुदाय को फक्र है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को पाकिस्तानी सरकार ने 1 करोड़ रुपए और एक नई ब्रांडेड कार गिफ्ट की है। अरशद पाकिस्तान के इतिहास में एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अरशद को ये इनाम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने दिया है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अरशद के गांव जाकर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की। साथ ही अरशद को मरियम नवाज ने कैश प्राइज और कार की चाबी सौंपी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।